आमतौर पर किसी कंपनी के नतीजे अच्छे रहने पर उसके शेयरों में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन आज इथोस वॉच के साथ ठीक इसके उलट हुआ। इथोस वॉच के शेयरों में आज करीब 10% की गिरावट देखने को मिली, जबकि कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट मार्च तिमाही में 70% बढ़ा है। इसके बावजूद आज कंपनी के शेयरों में 10% की गिरावट देखने को मिली। क्या है इसकी वजह है? आखिर नतीजों के बाद यह शेयर इतना क्यों गिर गया? आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। इथोस वॉच का आईपीओ पिछले साल आया था। इस कंपनी का शेयर 30 मई 2022 को लिस्ट हुए थे और आईपीओ में इसके शेयर का प्राइस बैंड जो था वह 825 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा था और यह कंपनी जो है वह 6% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में इसके शेयरों को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था और यह आईपीओ यूं तो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन लिस्टिंग के दिन इसमें पैसा लगाने वाले निवेशकों को निराशा हुई थी, क्योंकि यह शेयर जो है यह अपने प्राइस बैंड इसके शेयरों का तय था वह था 836 रुपये से 878 रुपये, उसके मुकाबले 6% के डिस्काउंट यानी 825 रुपये पर लिस्ट हुआ था। उसके बाद से इसके शेयरों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और दो दिन पहले यानी कि शुक्रवार को 12 मई को इस शेयर की जो कीमत थी वह अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गई थी और इसने 1405 रुपये का वो लेवल टच किया था और यह जो 1405 रुपये है यह शेयर की लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले 70% ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस शेयर ने एक साल में निवेशकों को पैसे को करीब 1.25 कर दिया है। लेकिन जब इसके रिजल्ट आए मार्च तिमाही के तो इसके शेयरों में तेज गिरावट देखी गई। आज इस कंपनी का शेयर शुरुआत से ही दबाव में चल रहा था और करीब 2:30 बजे इसका प्राइस जो है वह 10.51% गिरकर 1257 रुपये पे था। इसका मतलब है कि इस शेयर ने अपने लाइफ टाइम हाई के मुकाबले जो है वह 10% अपना जो प्रीमियम है उसने गवा दिया है। आखिर यह गिरावट क्यों आई यह जानने की मैंने कोशिश की और मुझे यह पता लगा कि इस गिरावट की जो वजह है वह सिर्फ मुनाफा वसूली है, यानी कि निवेशकों ने जब देखा कि इस कंपनी का शेयर जो है वह 70% चढ़ चुका है तो उन्होंने जो है कि इसमें बिकवाली कर और मुनाफा अपनी जेब में रखने की कोशिश की है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि जब इस कंपनी के आगे की संभावना भी जो बहुत अच्छी नज़र आ रही है तो फिर अचानक मुनाफा वसूली की वजह क्या है? इनके ग्लोबल जैसे कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर के लिए जो टारगेट दिए थे कंपनी ने उस टारगेट को अचीव कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, यही वजह है कि इसका प्रॉफिट जो है वह मार्च तिमाही में 70% बढ़ा है और इस कंपनी ने मार्च तिमाही में 4 बड़े शहरों में अपने स्टोर खोले हैं, इनमें इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद और सिलीगुड़ी शामिल है। तो कंपनी के लिए जो संभावनाएं दिख रही हैं वो बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन यह हैरानी की बात है कि अच्छी संभावनाओं के बावजूद और पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छी बढ़त के बावजूद जो है कि इस शेयर में मुनाफा वसूली अचानक की गई जिसके वजह से इसके भाव करीब 10% एक दिन में लुढ़क गए और यह
कंपनी इसलिए भी बहुत उम्मीद जगाती है क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से अपने क्लाइमेक्स पर है, हर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, रिटेल डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे में इस कंपनी के आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे दिखते हैं। इसकी वजह यह है कि यह कंपनी 50 प्रीमियम जो घड़ियों के ब्रांड हैं उनकी रिटेलिंग करती है। इनमें ओमेगा, राडो, कोरम, बुल्गारी जैसे ऐसे ब्रांड शामिल हैं जिनकी पहचान दुनिया भर में है। और जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बड़े ब्रांड को लेकर उनमें जो जागरूकता बढ़ेगी और उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। तो आज इथोस वॉच के शेयरों ने, शेयरों में गिरावट ने बाजार को चौंकाया है और इससे यह जाहिर होता है कि कई बार अच्छे जो परिणाम भी है वो भी जो है वो नुकसान के सबब बन जाते हैं और इसका उदाहरण है इथोस वॉच के आज के शेयर। यह थी इथोस वॉच को लेकर हमारी बातचीत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।